नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू ड्रॉ यूजिंग बॉल पेन के सेकंड एपिसोड में हैं और यहां पे मैं नोज़ और लिप्स को एक लेवल तक फिनिश करके आपको दिखाऊंगा। और ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर आपको समझा पाने की कि आपको कैसे प्रोसेस करना है। बहुत फिनिश नहीं करूँगा चीज़ों को बस, लेकिन एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूँगा कि कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने साइड में फ़ोटो भी रख ली है, ओरिजिनल वाली, रियल वाली जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं जो डार्कर एरिया है नोज़ में उसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं यूज्ड जो मेरी पेन है उसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, आप दो पेन हमेशा साथ में रखिए। तो इसका लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि प्रीवियस एपिसोड में हमने क्या बातें की थी कि दो पेनें कैसी रखनी है। तो वो दो पेन्स आप रखिए, एक यूज़ होनी चाहिए और एक बिल्कुल थोड़ी नई हो आपके पास, तो ज़्यादा अच्छा है, न्यू पेन हो। तो दोनों, जैसे अब यहाँ मैं न्यू पेन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियल लेयर जो है, जो लाइटर लेयर्स हैं, जो यहाँ पे या जहाँ पे ऐसे एरियाज आने हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट्स या हाईलाइट्स हमें दिखानी है, बहुत वाइट्स ज़्यादा है वहाँ पे, तो उन जगहों पे हम न्यू पेन को यूज़ करेंगे। और जहाँ डार्कर एरियाज दिखाने हैं वहाँ पे हम वी गोइंग टू यूज़ द यूज्ड पेन जो कि ज़्यादा चल चुका है, ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है, बिकॉज उसका जो आगे का टिप होता है दैट हैज़ बीन यूज्ड और वो थोड़ा सा डार्क चलने लगता है पेन, जैसा कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जो न्यू पेन होता है उसका टिप दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड दैट मच, तो इसलिए उसका जो लाइंस होती हैं उसकी ज़्यादा पतली और महीन आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं नोज़ के आउटलाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने जैसे बताया था आपको छोटे छोटे डायगोनल हैचेस को क्रिएट करना है आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में, लेकिन शुरुआत में एक यूनि डायरेक्शन रखिएगा एंड देन यू चेंज इट विद द अदर डायरेक्शंस एज वेल। और ये जो अपर लुकिंग फेस है कि ऊपर की ओर देख रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि सारे जो डायमेंशंस होते हैं, सारे जो लाइट एंड शेड्स होती हैं वो ड्रास्टिकली बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए इसमें बहुत थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है हमने। जब भी आप नोज़ को ड्रॉ करें फ्रेंड्स, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें एक लाइन जो होती है वो हाईलाइट की होती है और एक डॉट होता है जो बिल्कुल वाइट होता है। वो किसी कभी भी जब आप नोज़ को ड्रॉ करते हैं, आपको जब रियलिज्म थोड़ा सा दिखाना होता है उसमें, तो वो डॉट जो है, वाइट जो पॉइंट है वो ज़रूर दिखाइएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर भी छोड़ा है उस जगह को थोड़ा सा, उससे जो है रियलिज़म बहुत अच्छा सा नोज़, क्योंकि नोज़ जो होता है पूरे फेस में वो सबसे आगे की ओर निकला हुआ पोर्शन होता है, तो ऑब्वियसली चाहे जितना भी अंधेरा हो देर शुड ऑलवेज बी एन हाईलाइटेड पोर्शन। उस चीज़ को अगर आप पकड़ ले जाएंगे तो डेफिनेटली आपका नोज़ जो होगा वो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बन पाएगा। देखिए, मैं बस लेयर्स को ऑप्ट कर रहा हूँ और हैचेस यूज़ कर रहा हूँ, डायगोनल हैचेस एंड देन द क्रॉस हैचिंग्स एज वेल। मैंने इसको स्पीड अप इसीलिए नहीं किया है फ्रेंड्स, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए, बस थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाया है ताकि आप आसानी से समझ भी सकें और वीडियो की लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट रहे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। और इसका फर्स्ट एपिसोड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए वेरी मच थैंकफुल। और काफ़ी लोगों ने अच्छी खासी तादाद में उसको देखा, तो मुझे लगता है कि शायद पेन पोर्ट्रेट सीखने वाले लोग ज़्यादा हैं, और क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट मीडियम है, क्योंकि एवरी वन इज़ हैविंग द पेन और ईजी अप्रोचेबल है, ईजीएस्ट मैं ये कहूँगा। ड्राइंग में तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग है ये, लेकिन पेन सभी के पास होता है और एवरी वन वॉन्ट्स टू लर्न इट, और ये सबसे अच्छी बात भी है पेन के साथ। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है वहाँ पे आपको कैसे पेन को पकड़ना है। देखिए, मैंने कैसे पेन को पकड़ा है, बिल्कुल हल्के हाथ से और हल्की हल्की लाइंस को, डायगोनल हैचिंग्स को क्रिएट कर रहा हूँ और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रहा हूँ पेपर के ऊपर, बिल्कुल हल्का प्रेशर एंड यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि हमें स्मूथ रिजल्ट चाहिए, क्योंकि फीमेल फेस है। अगर ये मेल फेस होता तो हम हार्श लाइंस को भी क्रिएट कर सकते थे, तो स्मूथनेस है। अब यहाँ देखिए, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, जो डार्क लाइन्स हैं वहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रेशर पेपर के ऊपर बढ़ाया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जब आप, जैसे यहाँ हम देखिए, बिल्कुल हल्की लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैंने बिल्कुल पेन को इस तरह से पकड़ा हुआ है कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आए पेन के ऊपर और हल्की लेयर्स को डेवलप कर रहा हूँ।
यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ मिस्ड आउट होती है पेन पोर्ट्रेट्स में, क्योंकि लोग प्रेशर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से वैल्यूज चेंज जाती है। अब यहाँ लिप्स में भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिप्स को हम ड्रॉ करेंगे, तो पहले आउटलाइंस को ड्रॉ कर ले रहा हूँ थोड़ी सी, जबकि वैल्यूज जैसे कि फर्म हो जाए, और फिर मैं वही करूँगा कि जो यूज्ड पेन है उसको मैं अंदर जो डार्कर एरियाज़ हैं वहाँ के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी यूजिंग फ्रेमवर्किंग मेथड, जिसकी ट्यूटोरियल्स भी मैंने ऑलरेडी डालता रहता हूँ अपने ही चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं किस तरह से आउटलाइंस आपको क्रिएट करनी है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं पेन पोर्ट्रेट, पेन यूज़ करके कैसे एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ किया जाए उसके बारे में। तो लिप्स में भी आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि आप आउटलाइंस ड्रॉ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे वीडियो में दिखाना है और ताकि आपको सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आएँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि ताकि मैंने एक आउटलाइंस दिखा दी आपको। ऐसे बेसिकली आप बाहर वाली लाइन्स ना ड्रॉ करें तो अच्छा है। यहाँ दिखाता हूँ मैं लिप्स के बारे में फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको, और लिप्स में जब भी आप जिस जो डायरेक्शन होता है ना लाइन्स का, आप देखेंगे जब भी लिप्स को ऑब्जर्व करके इमेज को, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है ऊपर वाले में अपवर्ड, और नीचे वाले में जो डायरेक्शन होता है वो जो आप लाइन्स देख रहे होते हैं छोटी छोटी, या फिर शेडिंग का जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है और नीचे वाले में डाउनवर्ड होता है, तो वो पैटर्न को पकड़ के चलिए फ्रेंड्स, तो आप बड़े अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे ऊपर अपर लिप्स में थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को शुरुआत में चलाइए, तो एक बेस लेयर जो होगी वो आपकी अच्छी से क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद बस आपको डार्कनेस और लाइट वैल्यूज़ को ऑप्ट करना है धीरे धीरे। ये बस एक डेमोन्स्ट्रेशन है वीडियो फ्रेंड्स, क्वालिटी वाइज आप बहुत अच्छे लेवल तक का ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि आप कैसे आप बिगिन करेंगे। वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज प्रैक्टिसेस यू विल डेफिनेटली गेट बेटर डे बाई डे। तो ये चीज़ हमेशा, अब देखिए यहाँ पर लोअर लिप्स में भी मैं ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे स्ट्रोक्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यही तरीका है फ्रेंड्स, अपर लिप्स में अपर डायरेक्शन में एंड लोअर लिप्स में लोअर डायरेक्शन में। तो इस तरह से जब आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर उस पर डायगोनल हैचेस डाल दीजिए, थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग्स डाल दीजिए, जहाँ डार्कन्स वैल्यू है वहाँ डार्क कर लीजिए। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं साइड बाई साइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी उसका रियल जनरेशन है आप ड्रॉ कर रहे हैं वो चीज़ नज़र आनी चाहिए उसमें, तभी आप थोड़ा सा उसको रियलिज्म की ओर ले जा पाते हैं कि जो एक्चुअल आप देखा और वही आप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये लिप्स में भी मैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि थोड़ा सा हमने ओवर डूइंग कर दिया है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वंस वी फाइनलाइज द थिंग वी विल ट्राई टू नॉर्मलाइज द वैल्यूज़। तो हम अभी बिल्कुल नॉर्मली चल रहे हैं, जब लास्ट इसका एपिसोड होगा तब हम वहाँ पे कुछ चीज़ों में की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और थोड़ा बहुत शिफ्ट करेंगे इधर से उधर चीज़ों को। चीज़ों को शिफ्ट करने से मेरा मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे डार्कनेस है जहाँ पे लाइटनेस है उसको हम ऑल्टरनेटिवली चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो आप देखिएगा कैसे करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक क्रूशियल चीज़ है। क्योंकि 100% आप एक जैसा डिट्टो ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, आपको क्या करना होता है अकॉर्डिंगली अपनी इमेज को लाइट एंड शेड के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट बनाना होता है। वो कैसे करते हैं वो जब हम इसका लास्ट वीडियो करेंगे तब हम वहाँ पे उस चीज़ को सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि पेन है फ्रेंड्स और पेन को कंट्रोल करना इट्स नॉट दैट ईजी एज वी कांट इरेज इट। आपको पता ही है कि हम इसको इरेज नहीं कर सकते, खासकर इन पेन्स को नहीं कर सकते। कुछ अलग पेन्स आने लगी हैं मार्केट में, वो भले इरेज हो जाएं ईजिली लेकिन ये पेन्स तो इरेज नहीं होती। तो हमें कैसे क्योंकि हर सारे स्ट्रोक्स तो एग्जैक्ट नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं तो आप
डार्कनेस ज़्यादा आ जाएगी या लाइटनेस ज़्यादा आ जाएगी, तो हमें क्या करते हैं, हम उसको आगे जाके कंपेंसेट करते हैं अदर अल्टरनेटिव वैल्यूज़ के साथ। वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं तक रखता हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू यू, एंड प्लीज़ इसका लास्ट एपिसोड भी जरूर देखिएगा जहाँ हम सारी चीज़ों को फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू।